हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपके पास कोई पिलो कवर पुराना पड़ा है या कोई बेड शीट पुरानी पड़ी है जिसको आप वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, तो बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वाटरप्रूफ लॉन्ड्री बैग जो हम बनाएंगे बेकार पड़ी हुई एक बेड शीट के पीस के साथ। और उसके साथ साथ एक ले लेंगे हम राइस बैग। राइस बैग के साथ साथ एक मैंने बड़ी सी प्लेट ली है, डिनर प्लेट है, जो सबसे बड़ी साइज़ होती है ना प्लेट्स की, वही मैंने ली है। अगर आप बैग की साइज़ इससे भी बड़ी रखना चाहते हैं तो कोई थाल वगैरह या थाली वगैरह यूज़ कर सकते हैं। अगर इससे छोटी बनाना चाहते हैं तो कोई छोटी प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरह से इस बैग के ऊपर रख के मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा करके कट किया है, क्योंकि ये जो राइस बैग है ना, ये थोड़ा सा पड़ा हुआ था साइड्स में, तो मैंने सोचा इसको वेस्ट क्यों करूं, इसकी साइज़ थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी। देखें, इस तरह से इसको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। और अगर आपके पास राइस बैग कुछ इस तरह का है ना, जिसका प्लास्टिक थोड़ा सा हार्ड है, तो आप एक लेयर भी इसकी यूज़ कर सकते हैं। ये जो मेरे पास राइस बैग है ना, इसकी जो प्लास्टिक है बिल्कुल हल्की फुल्की सी है, तब मैंने इस तरह से दो लेयर्स में इसको यूज़ किया है। तो इस तरह से इसके सर्किल्स कट करने के बाद जो बेड शीट का मेरे पास एक्स्ट्रा पीस है उसके ऊपर इन दोनों को मैंने रख लिया है। साइड से मैंने इसको कट कर लिया है। कट करने के बाद मैंने इसके ऊपर पिंस लगा दी थी। पिंस लगाने के बाद मैंने पहले इसके ऊपर सिलाइयाँ लगा दी हैं, और सिलाइयाँ आप जिस तरह से चाहें बिल्कुल उसी तरह से लगा सकते हैं। मैंने इसके ऊपर क्रॉस शेप में दो सिलाइयाँ लगा दी थी। सिलाई लगाने के बाद फिर मैंने इसको कट किया है। तो इस तरह से जब हम कट करेंगे ना, तो साइज़ बिल्कुल इक्वल आएगी, क्योंकि राउंड शेप है ना, क्या पता मशीन के साथ भी इधर उधर हो जाता है ना। तो इस तरह से आप सिलाई की करेंगे ना, तो ये बिल्कुल इक्वल बैठेगा। तो बस इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़ा कट करने के बाद कुछ इस तरह से दो सर्किल्स हमारे पास आ जाएंगे, और इन दोनों सर्किल को हम एक दूसरे के साथ रख के फिर सिलाई लगाएंगे। साथ कुछ इस तरह से रखेंगे, ये जो प्लास्टिक है ना अंदर की तरफ आएगी, और ये जो कपड़ा है ना वो बाहर की तरफ आएगा। और अब आप चाहें तो इनके ऊपर पिन लगा के फिर बिल्कुल इसकी जो एजेस है ना, वहाँ पर इस तरह से सिलाई लगा दें, या तो फिर आप सेंटर में से ज़्यादा सिलाइयाँ भी लगा सकते हैं। अब एक पॉइंट पे मैंने पिन लगा दी है, ताकि जहाँ से भी हम स्टार्ट लें ना, वो पॉइंट हमारे जहन में हो। ये जहाँ पर हमने पिन लगाई ना, वहाँ से ही हम कुछ इस तरह से इंच टेप को रखेंगे, और पूरा इसका सर्कमफ्रेंस है ना उसके ऊपर कुछ इस तरह से इस इंच टेप को रखते जाएंगे, और इसकी पूरी की पूरी मेजरमेंट ले लेंगे। इंच टेप को रखते हुए आपको एक एक इंच की गैप के साथ देखें कुछ इस तरह से आपको मेजरमेंट लेनी है। जैसे 4 इंच का गैप देके फिर हमने मेजरमेंट ले ली कभी 3 इंच का, तो इस तरह से डिफरेंस आ सकता है, तो इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो देखें, इस तरह से आपको मेजरमेंट पूरा इसका ले लेना है। पूरी इसकी मेरे पास 35 इंच के जितनी आ रही थी, मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच के जितना मैं इसमें ऐड करूंगी, तो हमारे पास कंप्लीट जो इसकी मेजरमेंट आएगी ना, वो 36 इंच होगी। उसके साथ साथ मैं एक राइस बैग यहाँ पर भी यूज़ करूंगी, उसके जितने भी एक्स्ट्रा कॉर्नर्स वगैरह थे ना, उसको मैंने कट करके बिल्कुल स्मूथ कर लिया है। इसके साथ साथ एक बेड शीट का पीस भी यूज़ करूंगी, वो इसके साथ मैं अटैच कर दूंगी। इस बैग की जो लंबाई हमारे पास आएगी ना, वो 20 इंच के जितनी आएगी, क्योंकि ये राइस बैग है ना, मेरा इतना ही बड़ा है। अब इस राइस बैग के साथ जो मैं कपड़ा यूज़ करने वाली हूँ, उसकी लंबाई होगी 20 इंच, और उसके साथ साथ उसकी जो विड्थ होगी, जो हम उस सर्किल के ऊपर यूज़ करेंगे ना, वो कंप्लीट मैं 35 इंच के जितनी ले लूँगी। तो बस यहाँ पर ये थोड़ा सा कम हो रहा था, तो इसके साथ में मैंने थोड़ा सा कपड़ा ऐड कर लिया था। ऐड करने के बाद ये जो बेड शीट का पीस है ना, इसके साथ मैं इस तरह से रखूँगी, और इसके ऊपर मैं एक सिलाई लगा दूँगी। इसकी जो साइड्स है ना, वहाँ पर ही एक साइड पर फ़िलहाल मैंने सिलाई लगा दी है। अब जो ब्लू कलर का प्लेन कपड़ा इसके साथ मैं यूज़ करूँगी, अगर आप चाहें ना तो सेम बेडशीट का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो लंबाई है ना, वो तकरीबन मेरे पास 10 इंच के जितनी है। इसके साथ मैं एक नेफा बना दूँगी। नेफा बनाने के बाद देखें कुछ इस तरह से इस बैग के ऊपर मैंने इसको एक सिलाई के साथ बंद कर दिया है। इस तरह से एक सिलाई लगाने के बाद कुछ इस तरह से, जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, बिल्कुल इसी तरह से इसको मैं इस तरह से रख के और इसके ऊपर एक टॉप स्टिच लगा दूंगी, ताकि हमारे पास कुछ इस तरह से पाइपिंग की तरह ये रेडी हो जाए। और नेफा है ना, वो भी मैंने यहाँ पर रेडी कर लिया है। टॉप स्टिच लगाने से एक तो इसमें मजबूती भी आ जाएगी, और लुक वाइज बैग है ना अच्छा दिखेगा। तो देखें, अब इसकी जो दूसरी साइड है ना, उस पर ये जो हमने सर्किल बनाया था, इसको अटैच करेंगे कुछ इस तरह से। अभी इसकी एक साइड खुली हुई है, अगर पहले आप बंद करके फिर सर्किल को अटैच करना चाहते हैं तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर पहले इस तरह से पूरे के पूरे इसके ऊपर पिंस लगा दी थी, ताकि मुझे सिलाई करने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। इस तरह से पूरे इस राउंड पे पिंस लगाने के बाद इनके ऊपर मैंने एक सिलाई लगा दी है।
राउंड शेप के ऊपर सिलाई लगाने के बाद इसकी जो साइड है उसको भी मैंने बिल्कुल सीधी सी सिलाई लगा के उसको बंद कर लिया था। तो बंद करने के बाद कुछ इस तरह से ये बैग हमारे पास रेडी हो गया है। एज इट इज़ आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं इसकी जो बेस है ना उसके ऊपर भी एक टॉप स्टिच लगाऊंगी ताकि एक तो मजबूती भी आ जाए और बेस है ना वो भी अच्छी तरह से रेडी हो जाए। जब हम इसको एक जगह पे रखें ना तो रखा हुआ भी अच्छा लगे। तो देखें यहाँ पर भी मैंने टॉप स्टिच लगा दिया है। इस तरह से टॉप स्टिच लगाने के बाद मैंने एक और ब्लू कलर का पीस मेरे पास पड़ा हुआ था वही ले लिया है। उसको मैंने कुछ इस तरह से कट किया है, स्क्वायर पीसेस 3x3 इंच के दो स्क्वायर पीस मैंने रेडी कर लिए हैं। और उसके साथ मैंने एक डोरी ले ली है वाइट कलर की। इस तरह से इस पीस को सीधा किया, फोल्ड किया, उसके बाद इस डोरी को सेंटर में रखते हुए एक स्टिच लगा दिया। तो इस तरह से स्टिच लगाने के बाद इसको मैं बिल्कुल कर दूँगी सीधा। सीधा करने के बाद इसको मैं थोड़ा सा कट करूँगी, कट करके, ताकि इसको अच्छी सी एक शेप आ जाए। और इस तरह से जब डोरी रेडी करेंगे ना, एक तो लगाएंगे तब अच्छी भी दिखेगी, दूसरा ये होगा कि ये जो हम नेफा बनाए ना उसमें निकलेगी बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर अगर आपके पास कोई भी बच्चों के ट्राउज़र्स वगैरह में डोरी लगी होती है ना वो भी आप यूज़ कर सकते हैं। मैं इस तरह की वाइट बना के फिर यूज़ करूँगी। और जो हेयर पिन है ना उसके साथ मैंने लगा दी है। लगाने के बाद ये छोटा सा जो नेफा है ना उसके अंदर मैं इसको लगा दूँगी। तो ये जो ब्लू हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लगाया है इस पार्ट को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर करना चाहें तो। वैसे एक्स्ट्रा कपड़ा लगाने से ये फ़ायदा हो जाएगा, इसमें डस्ट वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि लॉन्ड्री बैग्स जो होते हैं ना इधर उधर जब हम रखते हैं ना मशीन के पास, कभी कभी तो गैलरी वगैरह में भी रख देते हैं ना, तो इस तरह से इसमें डस्ट मट्टी बिल्कुल भी नहीं जाएगी। अगर आप एज अ लॉन्ड्री बैग इसको नहीं इस्तेमाल करना चाहते, अपने बड़े बड़े ब्लैंकेट्स वगैरह यूज़ करेंगे ना, तो भी ये जो फ्लैप हमने एक्स्ट्रा लगाया ना ये बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करेगा। अब मेरे पास और ब्लू पीस पड़ा हुआ था, इसको मैंने कुछ इस तरह से कट किया है और इसके दो पीस रेडी किए हैं रेक्टेंगल, और इसके मैं हैंडल्स बनाऊंगी। हैंडल्स बनाना बिल्कुल आसान है, बस इस तरह से इसको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर दो सिलाइयां लगा देनी है। तो बस इस तरह से सिलाई लगाने के बाद मैंने क्या किया, ये जो बैग है ना इसकी दोनों साइड्स पे इन हैंडल्स को लगा दिया है। तो बैग को बिल्कुल मैंने पहले प्रेस करके रखा है ताकि इसकी जो साइड्स हैं ना वो हमारे पास सही से आ जाएं, इक्वल आ जाएं। तो देखें इस तरह से रखने के बाद ऊपर से दो दो इंच की गैप छोड़ते हुए मैंने पहले यहाँ पर पिनअप इनको कर लिया है। पिनअप करने के बाद इनके ऊपर सिलाई लगा दी है दोनों हैंडल्स को, दो दो तीन तीन सिलाइयाँ लगा के फिर मैंने अच्छी तरह से इनको मजबूती दे दी है। क्योंकि कपड़ों का बैग होगा थोड़ा सा भारी होगा, हैंडल बिल्कुल हम लगाएंगे ना ऐसे कि उसी टाइम टूट जाएँ, तो इस तरह से बैग फिर वो लुक वाइज अच्छा भी नहीं दिखेगा। यहाँ पहले तो मैंने चौक से निशान किया, निशान करने के बाद मैंने पिन भी लगा दी थी ताकि जब मैं सिलाई करने बैठूँ ना तो हैंडल इधर उधर बिल्कुल भी ना हिले जुले और सही से लग भी जाए। मेरे पास इस तरह का कार्डबोर्ड पड़ा हुआ था जो केक के साथ आता है, तो वही मैंने इसके अंदर रख लिया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई और कार्डबोर्ड का पीस कट करके लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। तो बस इसमें आप देखें कितने सारे मैं कपड़े रख रही हूँ। आपके जो कपड़े होते हैं ना वॉश होने के लिए जाते हैं वो भी आप रख सकते हैं, या एक्स्ट्रा कुशन या तो पिलोज़ वगैरह कोई भी चीज़ जो होती है ना, ब्लैंकेट्स वगैरह, वो भी आप इस तरह से रख के फिर अपने किसी भी कॉर्नर में रख सकते हैं। क्योंकि घर बड़े हों चाहे छोटे हों स्टोरेज की हमेशा कमी ही लगती है। तो देखें इस तरह से एक बैग रेडी कर देंगे ना इसमें आपकी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाएंगी, बहुत सारी। आप इसमें बेडशीट्स भी रख सकते हैं, अपने समर विंटर के कपड़े भी अगर एक्स्ट्रा है ना तो उनको भी रख सकते हैं। इतना मजबूत और इतने अच्छे कपड़े का अगर मार्केट में बना हुआ लेंगे ना तो एक तो एक्सपेंसिव बहुत मिलेगा और मिलेगा भी नहीं, जो आपकी चॉइस होती है ना उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखें इस डोरी को इस तरह से खींचेंगे ना तो ये बंद भी हो जाएगा और ईजिली खुल भी जाएगा। आप चाहे ना तो अपने किचन में भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ग्रोसरी जो आती है ना हमारे पास वो कितनी सारी होती है उसको भी आप इसके अंदर रख सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपने बड़े बड़े जो पैंस होते हैं ना उनको भी इसके अंदर डाल के एक साइड पे रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो कॉमेंट करने में कंजूसी बिल्कुल भी ना किया करें, लाइक किया करें, शेयर ज़रूर किया करें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल का आइकॉन भी ज़रूर हिट किया करें। मैं मिलूंगी आपके साथ ऐसे ही वीडियो के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।